तो मेरे पास सबसे बड़ा हथियार रहा साहब का नाम ही था। लोग मुझे रोक के बोलते थे, बहन जी ये देखो स्कूल, बहन जी ये देखो अस्पताल, ये देखो कॉलेज, ये देखो सड़कें। सारी वीरभद्र सिंह जी की देन है। आज इलेक्शन के वक्त में हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों की आज भी राज साहब की उपलब्धियां हम राज साहब के सामने, लोगों के सामने रखते हैं। हमें ना कभी क्षेत्रवाद की बात करनी है, ना हमें कभी जातिवाद की बात करनी है। वो कौन करता है? बीजेपी के लोग। आज वो जमाना नहीं है कि आपको बताना पड़े, समझाना पड़े। आज साहब सब समझदार है, सब लोग भली भांति इस बात को समझते हैं कि जो चुनाव है उसकी क्या महत्ता है और किस तरीके से हमें चुनाव का सामना करना है। चाहे वो विधानसभा के चुनाव थे और उसमें भी आपने अपनी जितना भी आपकी शक्ति थी उसका इस्तेमाल करते हुए आपने हमारे विधायक को यहाँ से जिताया, और अब तो लोकसभा के चुनाव है। इस बार कांग्रेस हाईकमांड ने ये फैसला किया है कि हम एक नौजवान को मैदान में उतारेंगे। उन्होंने शायद पहले ही ये सोच रखा था कि अगर किसी अच्छे होनहार को हमने आगे लाना होगा तो चारों तरफ से देखते हुए उनकी दृष्टि विक्रमादित्य पे ही टिकी, और विक्रमादित्य पर उन्होंने सबने सहमति बनाई और उन्होंने कहा कि हम इस बार उनको ही टिकट देना चाहते हैं। तो उनकी आदेश के मुताबिक, कांग्रेस हाईकमांड के मुताबिक उसने उस बात को स्वीकार किया और आज वो चुनाव के मैदान में है। मुझे खुशी है कि एक नौजवान को हमने मौका दिया। राजा साहब का तो क्या इतिहास बताऊं आपको, आप सब जानते हैं कि राजा साहब ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए। पिछले विधानसभा में चुनाव में भी जब मुझे AICC ने और हाईकमांड ने ड्यूटी दी कि आप कम से कम 42 जगहों में जाकर मीटिंग करें, तो मेरे पास सबसे बड़ा हथियार राजा साहब का नाम ही था। मैंने हर क्षेत्र में जाकर लोगों को बोला कि राजा साहब ने काम किए। लोग मुझे रोक के बोलते थे, बहन जी ये देखो स्कूल, बहन जी ये देखो अस्पताल, ये देखो कॉलेज, ये देखो सड़कें। सारी वीरभद्र सिंह जी की देन है। उन्होंने ही हमारे कार्यकाल में जो ये काम किए हैं, आज हमारी बच्चियां स्कूल में पढ़ रही है तो उनकी बदौलत। नहीं तो वो वक्त भी था जब 10वीं तक माता पिता अपने बच्चियों को पढ़ाते थे और कहते थे बस इतना ही पढ़ाना जिससे वो चिट्ठी पत्री लिखने लायक हो जाए। आज हमारी बेटियां 10+2 स्कूल करके, कॉलेज करके आगे उनके जो भी एम्बिशन है उसको फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ रही है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो दूर दराज की लड़कियां, उन्होंने अपना अच्छा नाम कमाया, अच्छे उन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम किया है उसको आगे ले जाने में सरकार का बार बार धन्यवाद करती है कि जो हम पढ़ी लिखे हैं तो ये सरकार की बदौलत है। तो हम भी लड़कों से आगे बढ़ना चाहती है और अच्छा काम समाज के लिए करना चाहती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है, तो वो काम उन बच्चियों ने किया है उससे भी हमें बहुत खुशी और गर्व है कि हिमाचल प्रदेश में खास करके क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है और अच्छे स्कूल कॉलेज होने से अब हमारे बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज इलेक्शन के वक्त में हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों की आज भी राज साहब की उपलब्धियां हम राज साहब के सामने, लोगों के सामने रखते हैं। आज भी मैं जितने इलाके का दौरा करके आई, चाहे वो आप ननखरी की बात ही लो, ननखरी में चाहे वो कॉलेज था, चाहे स्कूल थे, चाहे सड़कें थी, चाहे छोटे छोटे बाकी सड़कें जो इधर उधर आज बनी है पंचायतों को टच करते हुए, वो भी उन्हीं के कार्यकाल में बनी है। हमें ना कभी क्षेत्रवाद की बात करनी है, ना हमें कभी जातिवाद की बात करनी है। वो कौन करता है? बीजेपी के लोग। बीजेपी ने हर इलेक्शन में ये नारा दिया। जब मैं मंडी से इलेक्शन लड़ रही थी तब भी इन्होंने मंडी में ये कहा कि मंडी हमारी है, मंडी के मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो नारा इन्होंने वहां पर दिया। पर फिर भी लोगों ने उस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस को उपचुनाव में मुझे विजय बनाकर भेजा, उसके लिए भी मैं वहाँ के लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक बात मेरे सामने आई जब मैं मंडी से चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त कौन विपक्ष का प्रत्याशी था बीजेपी का? राम स्वरूप जी। कोई उनको जानता नहीं था, वो तो किसी पद में भी नहीं रहे, कभी पंच भी नहीं रहे, कभी सरपंच भी नहीं रहे, और दे दिया उनको MP का टिकट।
तो सबने ये बोला कि ये तो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, कांग्रेस की जीती जिताई सीट है ये। तो सब इतने आश्वस्त थे कि और जगह काम करते, मंडी की सीट तो हमारी जीती हुई।